मैं डॉक्टर गिरीश कुमार द्विवेदी सहायक आचार्य शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज जैसा कि आपको विदिति है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने शिक्षार्थियों के लिए लगभग सभी कार्यक्रमों के सभी प्रश्न पत्रों में ऑनलाइन कोर्स प्रचारित व प्रसारित किए जा रहे हैं उस कड़ी में मैं आपको इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूर्व के अपने क्लासेस में इकाई वन एवं इकाई टू का व्याख्यान दे चुका हूँ आज शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रश्न पत्र के रूप में एमए एजुकेशन के शिक्षार्थियों को पढ़ना होता है दो इकाई के अध्ययन के उपरांत आज के मैं अपने व्याख्यान के माध्यम से आपको मनोविज्ञान के विभिन्न स्कूलों मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय के विषय में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय के अर्थ को आप इस लेक्चर के बाद समझ सकेंगे मनोविज्ञान के इतिहास से परिचित हो सकेंगे मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय की जो विचारधारा है उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के शैक्षिक महत्व को विश्लेषित व्याख्यायित कर सकेंगे इसके अलावा मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकेंगे इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं आपको मनोविज्ञान संप्रदाय क्या है इसकी क्या विशेषताएं हैं शिक्षा में इसका क्या योगदान है इस संदर्भ में आपको जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा अपने लेक्चर के माध्यम से मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय मानव व्यवहार की अलग अलग व्याख्या करते हैं आपको पता ही है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार की व्याख्या की जाती है ये विभिन्न संप्रदाय इस बात को बताते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर क्या क्या है कौन कौन सी अध्ययन सामग्री इसके अध्ययन के लिए प्रयुक्त होती है या प्रयोग में लाई जाती है इस इकाई में मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताते हुए इनके योगदान का ज्ञान कराया जाता है मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय कौन कौन से हैं जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इसके संप्रदाय के अंतर्गत संरचनावाद प्रकार्यवाद व्यवहारवाद मनोविश्लेषणवाद जेस्टाल्ट मनोविज्ञान हार्मिक मनोविज्ञान आदि आते हैं मैं एक एक संप्रदाय को वन बाय वन आपके सामने अपने ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। एम्बिंग हॉन्स के अनुसार मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत ही छोटा है मनोविज्ञान के तथ्यों की जानकारी पौराणिक ग्रीक दर्शन शास्त्र से मिलते हैं लेकिन एक स्वतंत्र शाखा के रूप में अठारह ईस्वी में मनोविज्ञान की स्थापना हुई अठारह के बाद तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कई मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु तथा उसके अध्ययन सामग्री के बारे में करीब करीब एक जैसे विचार व्यक्त किए हैं तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इनके विचारों का विरोध किया एक समान विचारधारा वाले लोगों ने एक संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया इन संप्रदायों को ही मनोविज्ञान के स्कूल की संज्ञा दी गई जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि संज्ञा के अंतर्गत उसके नामकरण से संबंधित है और विभिन्न संप्रदायों के जो नाम ब्लैकबोर्ड पर दर्शाए गए हैं वो क्रमशः आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं संरचनावाद प्रकार्यवाद व्यवहारवाद मनोविश्लेषणवाद जेस्टाल्ट मनोविज्ञान एंड हार्मिक मनोविज्ञान सर्वप्रथम अब मैं आपको संरचनावाद के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है जिसके प्रवर्तक विलियम उन्ट अठारह से 1920 के शिष्य ई वी टिचनर अठारह सौ थे इन्होंने अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की वंट ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया जबकि अठारह में लिपजिंक विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई वंट ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना जिसे मूलतः दो तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है वे दो तत्व संवेदन तथा भाव हैं वुंड का विचार था कि प्रत्येक भाव का अध्ययन तीन बीमाओं में अवस्थित किया जा सकता है नंबर एक उत्तेजना शांत तनाव शिथलन तथा सुखद दुखद इसे भाव का य सिद्धांत कहा गया टिचनर ने वुंट की विचारधारा को उन्नत बनाते हुए कहा कि चेतना के दो नहीं तीन तत्व होते हैं संवेदना प्रतिमा तथा अनुराग टिचनर ने उट के समान अंत निरीक्षण को मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि माना है उन्ट महोदय ने चेतना के तत्वों की दो विशेषताएं बताई थी पहली विशेषता गुण और दूसरी विशेषता तीव्रता को माना था टिचनर ने इनकी संख्या चार कर दी गुण तीव्रता स्पष्टता तथा अवधि टिचनर ने ध्यान प्रत्यक्षण साहचर्य संवेद आदि क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया संरचनावाद का शिक्षा में योगदान संरचनावाद का योगदान शिक्षा तथा तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप में है संरचनावाद ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके इसके स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया जिससे मनोविज्ञान की हर शाखा जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी शामिल था का स्वरूप प्रयोगात्मक हो गया मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक होने से शिक्षा की नई पद्धति के बारे में शिक्षकों को सोचने की चेतना आई अंत निरीक्षण विधि का प्रयोग शिक्षार्थी की मानसिक दशाओं का जैसे ध्यान सीखना चिंतन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में प्रारंभ कर दिया गया शिक्षा में उन पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व तो दिया जाता है जिससे शिक्षार्थियों के चिंतन स्मरण प्रत्यक्षण एवं ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास तथा उनका प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो सके मनोविज्ञान के संप्रदाय के पहले संरचनावाद संप्रदाय के अध्ययन के उपरांत मैं आपको प्रकार्यवाद जिसे आप कार्यवाद भी नाम दे सकते हैं उसके संदर्भ में ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे व्याख्यान के बाद लाभान्वित हो सकेंगे मनोविज्ञान में कार्यवाद एक ऐसा संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति संरचनावाद के वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुआ विलियम जेम्स द्वारा कार्यवाद की स्थापना अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की गई थी परंतु इसका विकास शिकागो विश्वविद्यालय में जॉन डीवी अठारह से उन्नीस जेम्स तथा एंजिल अठारह से उन्नीस तथा हार्वे ए कार अठारह से उन्नीस के द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय के ई एल थार्डाइक तथा आर एफ उडवर्थ के योगदानों से हुई कार्यवाद में मुख्यतः दो बातों पर प्रकाश डाला गया है नंबर वन व्यक्ति क्या करते हैं तथा व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करते हैं उडवर्थ उन्नीस के अनुसार इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने वाले मनोवैज्ञानिकों को कार्यवाद कहा जाता है कार्यवादियों ने साश्चर्य के नियमों जैसे समानता का नियम समीपता का नियम तथा बारंबारता का नियम प्रतिपादित किया जो कि सीखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है कोलंबिया कार्यवादियों में ई एल थांडाइक व आर एस उडवर्थ का योगदान सर्वाधिक रहा थांडाइक के अनुसार मनोविज्ञान उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है थांडाइट ने सीखने के लिए संबंधवाद का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार सीखने में प्रारंभ में त्रुटियां अधिक होती हैं किंतु अभ्यास देने से इन त्रुटियों में धीरे धीरे समय के अनुसार कमी आती जाती है उडवर्थ ने अन्य कार्यवादियों के समान मनोविज्ञान को चेतन तथा व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान माना इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया क्योंकि इससे यह पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया क्यों की गई उडवर्थ ने उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में परिवर्तन करते हुए प्राणी की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया संबंध को महत्वपूर्ण बताया कार्यवाद का शिक्षा में क्या योगदान है इस संदर्भ में मैं वन बाय वन आपको जानकारी प्रदान करूंगा योगदान में पहला योगदान कार्यवाद ने मानव व्यवहार को मूलतः अनुकूली तथा लक्ष्यपूर्ण बताया अतः स्कूलों का प्रमुख लक्ष्य बच्चों को समाज में समायोजित करना होना चाहिए सीखने की प्रक्रिया में वातावरण की महत्ता पर बल दिया गया अतः अध्यापकों का यह प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थियों को स्वस्थ वातावरण प्रदान किए जाएं, जो कि उनके सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करे दूसरे योगदान के रूप में इस विचारधारा ने पहले से चले आ रहे सिद्धांतों जो पाठ्यक्रम के अंग रहे हैं स्कूल पाठ्यक्रम में लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाने लगा तीसरे योगदान के रूप में शिक्षार्थियों की क्षमता में व्यक्तिगत भिन्नता पर बल डाला गया है कार्यवाद ने अलग अलग आयु स्तरों के बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं इस बात पर बल दिया कार्यवाद ने शिक्षा में उपयोगिता सिद्धांत को जन्म दिया इसने सीखने की प्रक्रिया में बालक की महत्ता पर बल दिया पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिनकी समाज में उपयोगिता हो ऐसा इस संप्रदायवाद का कहना है इस स्कूल ने शिक्षा में वैज्ञानिक जानकारी पर बल दिया साथ ही शिक्षण व सीखने के लिए नई विधियों जैसे कार्यक्रमित सीखना प्रोग्राम लर्निंग जैसी शिक्षण विधि को विकसित किया कार्यवाद में थांडाइक ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षक को अध्यापन कार्य करने के पहले शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित कर लेना चाहिए तभी शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है शिक्षक को उन परिस्थितियों पर अधिक बल डालना चाहिए जो आम जीवन में अक्सर देखे जाते हैं तथा उन अनुक्रियाओं पर बल डालना चाहिए जिनकी आवश्यकता शिक्षार्थियों को या समाज के सभी व्यक्तियों को जीवन में हो अभी तक मैंने आपको संरचनावाद व वा प्रकारवाद के संदर्भ में जानकारी प्रदान की नेक्स्ट संप्रदाय के अंतर्गत व्यवहारवाद व्यवहारवादियों द्वारा व्यवहारवाद के संदर्भ में इस स्कूल के अंतर्गत क्या कहा गया इससे क्या निष्कर्ष निकले शिक्षा में इसके क्या योगदान हैं इत्यादि के विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा व्यवहारवाद मनोविज्ञान का एक ऐसा स्कूल है जिसकी स्थापना जे बी वाटसन द्वारा 1913 सौ ईस्वी में जॉन हापिकंस विश्वविद्यालय में की गई इस स्कूल की स्थापना संरचनावाद तथा कार्यवाद जैसे संप्रदायों के विरोध में वाटसन द्वारा की गई वह स्कूल अपने काल में लगभग सन उन्नीस ईस्वी के बाद अधिक प्रभावशाली रहा जिसके कारण इसे मनोविज्ञान में द्वितीय बल के रूप में भी मान्यता मिलती है या मिली है वाटसन ने 1913 में साइकोलॉजिकल रिव्यू में एक विशेष शीर्षक साइकोलॉजी एज द व्यवहारिस्टिक व्यू एट के तहत प्रकाशित किया गया यहीं से व्यवहारवाद की शुरुआत मानी जाती है वाटसन का व्यवहारवाद जे बी ने व्यवहारवाद के माध्यम से मनोविज्ञान में क्रांतिकारी विचार रखे वाटसन का मत था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना या अनुभूति नहीं हो सकता है इस प्रकार के व्यवहार का प्रेक्षण नहीं किया जा सकता है इनका मत था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है व्यवहार का प्रेक्षण भी किया जा सकता है तथा मापा भी जा सकता है उन्होंने व्यवहार के अध्ययन की विधि के रूप में प्रेक्षण तथा अनुबंधन को महत्वपूर्ण माना वाटसन ने सीखना संवेद तथा स्मृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक अध्ययन किए जिनकी उपयोगिता तथा मान्यता आज भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक है व्यवहारवाद के इस धनात्मक पहलू को अनुभविक व्यवहारवाद कहा जाता है वाटसन के व्यवहारवाद का ऋणात्मक पहलू ऊँट तथा टीचनर के संरचनावाद तथा एंजिल के कार्यवाद को रिजेक्ट करना था 1919 में वाटसन ने अपने व्यवहारवाद की तात्विक स्थिति को स्पष्ट किया जिसमें चेतना या मन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया इसे तात्विक व्यवहारवाद कहा गया वाटसन ने सीखना भाषा विकास चिंतन स्मृति तथा संवेद के क्षेत्र में जो अध्ययन किया वह शिक्षा मनोविज्ञान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वाटसन व्यवहार को आनुवंशिक न मानकर पर्यावरणीय बलों द्वारा निर्धारित मानते हैं उनका मत था मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दो आप जैसा चाहे मैं उनको उस रूप में बना दूंगा यह उनके पर्यावरण की उपयोगिता को सिद्ध करने वाला कथन है वाटसन का मानना था कि मानव व्यवहार उद्दीपक अनुक्रिया जिसे हम एस आर से भी प्रदर्शित करते हैं प्राणी का प्रत्योग व्यवहार किसी न किसी तरह के उद्दीपक के प्रति एक अनुक्रिया ही होती है उत्तरकालीन व्यवहारवाद के संदर्भ में वाटसन महोदय ने बताया कि वाटसन के बाद भी व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रहा और इसके लिए हल स्कीनर टालमैन और गुथरी द्वारा किया गया प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा स्कीनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर किए गए शोधों में अधिगम तथा व्यवहार को एक विशेष दिशा में मोड़ने व बनाए रखने में पुनर्बलन के महत्व पर बल डाला गया है कोई भी व्यवहार जिसके करने के बाद प्राणी को पुनर्बलन मिलता है या उसके सुखद परिणाम व्यक्ति में परिलक्षित होते हैं तो प्राणी उस व्यवहार को दोबारा करने की इच्छा व्यक्त करता है गुथरी ने अन्य बातों के अलावा यह बताया कि सीखने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं होती और व्यक्ति एक ही प्रयास में सीख लेता है गुथरी ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि व्यक्ति किसी सरल अनुक्रिया जैसे पेंसिल पकड़ना माचिस जलाना आदि एक ही प्रयास में सीख जाता है इसके लिए उसे किसी अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है परंतु जटिल कार्यों को सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है गथरी ने एक और तथ्य पर प्रकाश डाला जो शिक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ और वह बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए इसके लिए उन्होंने तीन विधियों का प्रतिपादन किया नंबर एक सीमा विधि नंबर दो थकान विधि नंबर तीन परस्पर विरोधी उद्दीपन की विधि अब व्यवहारवाद का शिक्षा में किया योगदान है इस संदर्भ में मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। पी साइमंड ने शिक्षण व अधिकम के क्षेत्र में व्यवहारवाद की उपयोगिता को बताते हुए कहा कि सीखने में पुरस्कार मतलब पुनर्बलन का महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसकी जानकारी एक अध्यापक में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए अध्यापक द्वारा प्रदत्त पुनर्बलन बच्चों के भविष्य की गतिविधियों के क्रियान्वयन में निर्देशन का कार्य करता है अध्यापक द्वारा मात्र सही या गलत की स्वीकृति ही बच्चों के लिए पुरस्कार का कार्य करती है इसके योगदान के तहत नंबर वन व्यवहारवाद ने जो भी विधियां या तकनीक प्रदान की उनसे बच्चों के व्यवहार को समझने में काफ़ी मदद मिलती है दूसरे योगदान के रूप में सीखने व प्रेरणा के क्षेत्र में व्यवहारवाद ने जो विचार प्रस्तुत किए वे बहुत ही उपयोगी हैं अन्य योगदान के रूप में बच्चों के संवेगों का प्रयोगात्मक अध्ययन करके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इनके संवेगात्मक व्यवहार को समझने का ज्ञान प्रदान किया अन्य योगदान के अंतर्गत व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार पर वातावरणीय कारकों की भूमिका पर विशेष बल दिया वाटसन ने पर्यावरणीय कारकों को बच्चों के व्यक्तित्व विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण बताया स्कीनर द्वारा सीखने के लिए जो नई विधि कार्यक्रमित सीखना दी गई उसने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी हलचल मचा दी आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और अनेक प्रकार के पाठों को सीखने में उन्हें सफलता भी मिली कुछ समायोजित बालकों के समायोजन के लिए व्यवहारवादियों द्वारा या व्यवहारवाद द्वारा जो विधियां दी गई उनका महत्व अत्यधिक है व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार को समझने के लिए पूर्ववर्ती समस्तवाद को जो कि मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देते थे इस विवाद का अंत किया मेरे प्रिय शिक्षार्थियों आज मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय के अंतर्गत मैंने आपको संरचनावाद प्रकारवाद और व्यवहारवाद के विषय में जानकारी प्रदान की हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरे व्याख्यान के माध्यम से आप निसंदेह लाभान्वित होंगे या हुए होंगे मैं अपने अगले ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से संप्रदायवाद के विभिन्न विचारधाराओं में से जो बचे हुए मनोविश्लेषणवाद जैसल्ट मनोविज्ञान एंड हार्मिक मनोविज्ञान है उस पर प्रकाश डालूँगा मेरे प्रिय शिक्षार्थियों इस लेक्चर के माध्यम से मुझे विश्वास ही नहीं पूर्ण भरोसा भी है कि आपको इस संदर्भ में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी फिर भी संशय की स्थिति में किसी समस्या की परिस्थिति में आप मुझसे चैट के माध्यम से या फेस टू फेस शिक्षा विद्या शाखा में संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने ऐसा किया तो मुझे अत्यधिक खुशी होगी और मुझे लगेगा कि मैंने अपने शिक्षार्थियों के लिए कुछ किया इसी के साथ आप लोगों ने मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुना आपको बहुत बहुत धन्यवाद